Hi students, I am Kamlesh, your SST teacher. Today I am going to teach you the first chapter of civics portion of class 7th, that is Understanding Democracy. इसमें बोला गया है मतलब डेमोक्रेसी यानी कि राजतंत्र के बारे में हम लोग को क्या समझ है उसके बारे में इस पार्ट में चर्चा करना है. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या. ठीक है, तो डेमोक्रेसी इसका मतलब राजतंत्र होता है. ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल पावर बाय मीन्स ऑफ इलेक्शन. मतलब इसमें क्या होता है ना, लोग अपना पूरा पावर है ना, अपना पावर का प्रयोग करता है किसके द्वारा, अपने द्वारा जो इलेक्शन के द्वारा. ठीक है, अपने नेताओं को चुनते हैं. ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पावर बाय मीन्स ऑफ इलेक्शन. ठीक, इसको अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी चैप्टर को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानना होगा. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तो देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन सिविक्स और वी कैन से इन पॉलिटिकल स्टडी. दैट इज, फर्स्ट इज मोनार्की. मोनार्की मीन्स राजतंत्र. सेकेंड इज ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट. ऑथोरिटी गवर्नमेंट मीन्स होता है सत्ताधारी सरकार. ठीक है, उसको हम लोग आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा हम लोग डिस्कस क्लियर करते जाएंगे. नेक्स्ट है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मतलब साम्यवादी सरकार. एंड डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग लोकतंत्र भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में से आज हम लोग पहला जो फॉर्म है मोनार्की मीन्स राजतंत्र, उसको हम लोग देख लेते हैं कि मोनार्की है क्या. मोनार्की एक्चुअली इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ ए मोनार्क एट द हेड. मतलब मोनार्क हम लोग कह सकते हैं कि क्वीन या किंग. क्वीन और किंग मतलब किसी जगह का राजा या रानी को हम लोग मोनार्क, मतलब एक ताज हेड के रूप में जो पहना देते हैं उसको हम लोग मोनार्क के नाम से जानते हैं. ठीक है, वो जनरली देखा जाता है कि परिवार का जो मतलब ये एक वंशानुगत होता है, हेरिडिटरी होता है. ठीक है, वो मीन्स घर का कोई भी जब बड़ा रहता है, जो मीन्स एल्डर सन रहता है जनरली. बेसिकली आप देखिएगा जनरली जो है एल्डर सन को ही इस तरह का पोस्ट मिलता है मोनार्क वाला, जो अगर कोई राजतंत्र में है. मीन्स वो एक वंशानुक्रम के हिसाब से वो चलता है. ये मोनार्की के अंडर में इसको दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स संपूर्ण एकाधिपत्य, मतलब उस तरह का चीज राजतंत्र जिसमें पूर्ण रूप से किसी राजा को मिला हुआ है. देख लेते हैं, द मोनार्क होल्ड्स सुप्रीम ऑथोक्रेटिक ऑथोरिटी. मतलब यहाँ बोला गया है कि मोनार्क जो राजा या रानी है वो अपने पास संपूर्ण पूर्ण रूप से अपना ताकत को अपने कब्जे में रखता है. प्रिंसिपली नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड बाई रिटेन लॉज और लेजिस्लेचर और कस्टम्स. मतलब मुख्यतः उसमें देखा जाता है कि उसको किसी तरह से रोका नहीं जाता है, कोई भी लिखा हुआ नियम या कोई भी न्यायिक अधिकार के अलावा के द्वारा. ठीक है, इसी का जो दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हो गया संवैधानिक. ठीक है, संवैधानिक क्या है, द सोवरेन एक्सरसाइजेस ऑथोरिटी इन अकॉर्डेंस विथ ए रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसमें मेंशन किया है रिटेन अनरिटेन एंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी भी संपूर्ण सत्ता को है ना, एक जो मोनार्क तैयार किया जाता है उसमें हम लोग क्या जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नाम से जानते हैं. इसमें एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडियन कंट्री में है, प्राइम मिनिस्टर उसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो अगला फॉर्म है
उसको हम लोग ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? ओके, थैंक्स।